एक किलोमीटर बोल के 5 किलोमीटर चला दिए। एंड प्लीज यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी को अगर एड्रेस बताते हो तो प्रॉपर एड्रेस बताया करो। डॉक्टर साहब की इधर 4-व्हीलर कलेक्शन है, बाकी कुछ पार्किंग यहाँ होती है, कुछ पार्किंग सामने होती है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेगा। थैंक यू गाइज, आप लोग जो प्रीवियस वीडियो को इतना अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आज के ब्लॉग हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक गुड न्यूज़ बताते हैं। गुड न्यूज़ यह है कि जो मैं कल हॉस्पिटल गया था, मेरे किसी रिलेटिव का जो ऑपरेशन हो रहा था वह ऑपरेशन सक्सेस हो गया। फिलहाल एक दो दिन में डॉक्टर डिस्चार्ज भी कर देंगे। स्पर्श हॉस्पिटल उनके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी जाना है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बता रहा था कि सुबह मम्मी को लेकर 9-10 बजे निकलना था, बट कहते हैं ना रवि प्रताप सिंह के काम में देर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी फिलहाल बज गए हैं 11:30, तो होपफुली 12 बजे तक निकल जाएंगे और वहाँ 1-2 घंटे में पहुँच भी जाएंगे, वहाँ पेशेंट से मुलाकात करेंगे। देखो कहा जाता है कि अगर आप किसी सुख में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो दुख में किसी भी तरीके से टाइम निकाल के किसी के भी दुख में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कल के वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, सारी चीज़ आएंगी जाएंगी लेकिन एक बार मानवता आपके अंदर रह जाएगी तो वही आपको मनुष्य से भगवान तक मीन्स भगवान बना देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल पे जो नया है सो इंट्रोड्यूस यू, माय नेम इज रवि प्रताप सिंह, आई एम लाइफ स्टाइल यूट्यूब ब्लॉगर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल पे बने रहे। बंडा डेली ब्लॉगर है, रोज कुछ ना कुछ कंटेंट कहीं से भी निचोड़ के खींच के कहीं से ला के अपलोड कर ही देता है। 10 बजे टाइम है, कभी कभी लेट हो जाता है तो 12 बज जाता है, नहीं तो शाम को 3-4 बजे अपलोड हो ही जाता है। इनकेस बहुत इमरजेंसी रहा तब वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, बट डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिल जाता है। तो चलते हैं हॉस्पिटल, वहाँ मम्मी को लेकर चलते हैं, फिर वहाँ से देखता हूँ लौटते लौटते 4-5 बज जाएगा, फिर इंजॉय करते हैं ऐसे। होपफुली 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देना चाहिए, नीचे शिफ्ट हो गई है। इधर है पूरा हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल का इधर कैंटीन है और इधर एक कैंटीन है, इधर डॉक्टर साहब की इधर 4-व्हीलर कलेक्शन है, बाकी कुछ पार्किंग यहाँ होती है, कुछ पार्किंग सामने होती है, बट आई थिंक बेटर आइडिया, बेटर हॉस्पिटल इन दिस एरिया। हॉस्पिटल में एक थाली भोजन का जो कॉस्ट है वो 4 रोटी का दाम 15 रुपये रखा गया है। लोकल चाय, स्पेशल चाय एक गजब, चाय में भी लोग डिस्क्रिमिनेशन डाल दिए, भेदभाव बड़ी खतरनाक चीज है यार। यहाँ स्पेशल चाय 10 रुपये, लोकल चाय 5 रुपये, लोकल स्पेशल। इसमें मैं देखा हूँ डिस्क्रिमिनेशन, अब क्या हो गया खाने पीने वाले चीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि कौन लोकल है, कौन ओरिजिनल है, कौन VIP है, कौन नॉन VIP है, ये सब तो सारी सिलसिला चलते रहे। कि एक चीज़ मैंने यहाँ देखा है, और स्पेशल यहाँ लिखा गया है कि हॉस्पिटल परिसर में पान, गुटखा, धूमपान ये सब करना वर्जित है, पकड़े जाने पर 500 रुपये आपको जुर्माना के रूप में दिया जाएगा। बट मैं देख रहा हूँ कोई उसकी वैल्यू नहीं, जगह जगह नोटिस चस्पाया गया है मोटे मोटे अक्षरों में, रेड रेड कलर में, बट कोई वैल्यू है ही नहीं। लोग हम पूरे गुटके खाए हुए हैं, कोई सूरती ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तंबाकू मार रहा है, बस स्मोकिंग नहीं चल रही, बाकी सारी चीज़ चल रही है। सो आई रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ आप लोग अगर हॉस्पिटल को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर हम ही लोग कभी आएंगे तो हम लोग को बुरा लगेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। पैसे की जरूरत पड़ी तो ATM ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल के अगल बगल ATM होना जरूरी है क्योंकि इधर उधर कोई ATM नहीं है। पूछते हैं किसी लोकल से ATM कहाँ है, पता चला ATM इस साइड में, इधर ATM कोई है ही नहीं। अब पैसे जाएँ, बाइक है, जाने का इच्छा नहीं कर रहा, पैसा भी चाहिए, बहुत दूर ATM यार। यहाँ कम से कम एक ATM होना चाहिए हॉस्पिटल के बगल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ATM है ही नहीं। ATM ढूंढते ढूंढते आ ही गए हैं, 1 किलोमीटर बोल के 5 किलोमीटर चला दिए। एंड प्लीज यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी को अगर एड्रेस बताते हो तो प्रॉपर एड्रेस बताया करो,
वो 1 किलोमीटर के हिसाब से बंदा चलता जाता है। वो भी यहाँ HDFC बैंक का है, चुरेब में, चुरेब शाखा। पता नहीं खुला है कि बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा। बैंक तो खुला हुआ है बट ATM वाला देखते हैं। यहाँ ATM है, ये बैंक है, देखते हैं। हाँ कि पोपट हो गया, ATM में कुछ फॉल्ट आ गया है और अच्छा खासा पोपट हुआ। 1 किलोमीटर का 5 किलोमीटर चला दिया और ATM का अपना काम भी नहीं हुआ। देखते हैं आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। 1 hour later फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद ATM मिला है, देखते हैं। फाइनली यहाँ आके पैसा अपना निकल गया, थैंक गॉड। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 0 रुपए कटा बट पैसा निकल गया। चाय की बात बताऊं, अगर यूपी बिहार वाले चाहें तो लाल किला को दोबारा कलर कर सकते हैं, इतना मसाला खाते हैं भाई। मतलब है ना, पूरा फर्श, हर एक कॉर्नर पे पिच 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 पिच। तो गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि अगर वो लाल किला को दोबारा पेंट करवाना चाहते हैं तो पेंट में प्लीज पैसा ना खर्च करें, और हम ठेका लेते हैं, यूपी और बिहार वाले बंदे को भेजेंगे और लाल किला को दोबारा एक प्योर लाल किला में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा, और प्लीज कमेंट करके बताएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट हो और आपको और भी मोटिवेट करते रहें। और प्लीज गलतियों को बताया करो भाई, क्योंकि अगर आप गलतियों को नहीं बताओगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज की ब्लॉग में समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई कहानी लेकर। तब तक फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए RP ब्लॉग रवि प्रताप सिंह। बाय बाय दोस्त।